नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 13 अगस्त वर्ष 2021। 10वीं कक्षा में साइंस 1 का थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पिछली बार मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या क्या सिखाया था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के सोपान। सोपान क्या थे? सिर्फ हमको बायां पक्ष दायां पक्ष गिनना है, फिर जो पक्ष बराबर नहीं होंगे उन्हें गुणा करके समान करना है। कब तक करना है ऐसे? जब तक बायां पक्ष समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष के सभी अणु समान ना हो जाएं, तब तक ऐसा करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें मैंने आपको बताया संयोग अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ का रासायनिक संयोग होकर एक ही उत्पाद तैयार होता है, उसको संयोग अभिक्रिया कहते हैं। इसके चार उदाहरण मैंने आपको बताए थे। पहला उदाहरण ये NH3 और HCl, दो अभिकारी पदार्थ मिलके NH4Cl बने। दूसरा उदाहरण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ भी दो अभिकारी पदार्थ हैं, एक उत्पाद बना। कैल्शियम ऑक्साइड है में पानी डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की क्रिया होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा का निर्माण होगा। यहाँ भी दो अभिकारी पदार्थ हैं और उनसे एक ही उत्पाद बन रहा है। तो इस तरह के जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ का रासायनिक संयोग होता है और एक ही उत्पाद तैयार होता है, उसे संयोग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी का ठीक उल्टा होता है अपघटन अभिक्रिया, ठीक उल्टा, संयोग अभिक्रिया का एकदम उल्टा। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही अभिकारक पदार्थ एक होता है और वो विघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाते हैं। तो इसलिए इसकी परिभाषा भी नीचे दी गई है। जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है, जैसे कि यहाँ, और उससे दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या फिर विच्छेदन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन या विच्छेदन। तो इसके कितने उदाहरण? एक उदाहरण तो ये बताया था, जैसे शक्कर है, इसे गर्म करेंगे तो कार्बन और ये पानी बनेगा, दो अणु बनेंगे। तो शक्कर विघटित होके कार्बन और पानी की अणु बन गई। फिर ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे अगर गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। ये हमको कृति में भी था, याद है चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पहली कृति मैंने आपको बताई थी, वो पहली कृति में भी ये है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को तीव्र नीली ज्योत से भरपूर गर्म करना है, तो वही रिएक्शन है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था। तो ये किसका उदाहरण हो गया? विघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया ये, सॉरी अपघटन अभिक्रिया, इसको विच्छेदन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर इसी का अगला उदाहरण मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। इसका अपने आप विघटन होता है, गर्म नहीं करना पड़ता इसको। H2O2 में से हमेशा ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और H2O बनता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मंद गति से अपने आप इसका अपघटन होता है। तो तीसरा उदाहरण हो गया अपघटन अभिक्रिया का। चौथा उदाहरण है कि कोई अम्लयुक्त पानी है, अम्लयुक्त पानी है, उसमें विद्युत ऊर्जा यदि प्रवाहित की जाए तो वो जो पानी है वो उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वो विघटित हो जाता है पानी। तो ये आपका चौथा उदाहरण हुआ विघटन अभिक्रिया का। यहां तक हम लोग कर चुके थे। समझे कि नहीं? बात समझ रहे हो बेटा आप लोग? फिर देखो, देखो एक और उदाहरण यहां पे दिया है बॉक्स में। हमारे चारों ओर ऐसे विघटन की प्रक्रियाएं हमेशा होते रहती हैं। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैविक उत्सर्ग। जैविक उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब जो पशुओं के जो मल मूत्र हैं वो जैविक उत्सर्ग हैं।
पौधों से, पेड़ पौधों से जो फूल पत्ते जो निटूट करके नीचे गिरते हैं, वो जैविक उत्सर्ग। जैविक उत्सर्ग मतलब जीव जंतुओं के जो द्वारा त्याग किए गए पदार्थ, है ना। जैविक उत्सर्ग को देखो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, विघटित करते हैं, सड़ाते हैं ना उनको, सूक्ष्म जीव विघटित करते हैं और उससे क्या बनता है, बायोगैस बनता है। और इसका हम लोग ईंधन कौन लोग, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, ये उसको जैविक उत्सर्ग नहीं कहेंगे। जो जो सड़ जो चीजें सड़ती हैं, जीवों से जो चीजें बाहर निकलती हैं और वो सड़ा सूक्ष्म जीव जिसको सड़ाते हैं, समझ रहे हो आप लोग। हाँ, तो जैविक उत्सर्ग जीव जंतुओं से जो भी पदार्थ निकलते हैं, सूक्ष्म जीव उनका विघटन करके बायोगैस बनाते हैं, तो ये उसका हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं, ये भी एक तरह से अपघटन अभिक्रिया ही हो गई, समझे। चलो अब आगे 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 चलते हैं। अब तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। स्टार्टिंग में जो हमने एक्टिविटी की थी, उसमें एक एक्टिविटी विस्थापन अभिक्रिया की भी थी। ये देखो दूसरा जो एक्टिविटी है, कॉपर सल्फेट में हमने जिंक डाला था, तो इसमें हुआ क्या था, कॉपर की जगह पे जिंक आ जाता है, कॉपर की जगह पे जिंक आ जाता है, तो ZnSO4 बनता है। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। कॉपर सल्फेट में ZnSO4 अगर डालेंगे तो क्या होगा, CuSO4 है, उसमें हमने जस्ते का चूर्ण यानी जिंक डाल दिया है। तो होता क्या है, ये कॉपर के जगह पे जिंक आ जाता है, तो कॉपर के जगह पे अगर जिंक लिखेंगे तो क्या होगा, ZnSO4 लिखेंगे, फिर ये कॉपर जो हमने हटाया है यहाँ से, वो कॉपर अलग हो जाता है। ये ऐसे जो रिएक्शन है ना, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है, किसी भी यौगिक में जो कम क्रियाशील धातु है, उस कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर देती है, हटा के खुद वहां पे आ जाती है, उसको विस्थापित बोलते हैं। मेरी बात समझा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी यौगिक में कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर देती है, इसको ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन समझा ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार इसी अभिक्रिया को यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं पेज नंबर 38 में। पेज नंबर 38 में देखो, यहाँ इसके बारे में बताया भी है कि पाठ के शुरुआत में हमने देखा था कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जस्ते का चूर्ण डालने पर जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन तैयार होता है ना, और इसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण 3, देखो रासायनिक समीकरण 3 में दिया है, कहाँ पर है समीकरण 3, समीकरण 3, ये देखो ये रिएक्शन यहाँ दिया है समीकरण 3 में। कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक डाला गया है, तो ये ZnSO4 बन जाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। हाँ, अब इससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चला इससे, कॉपर सल्फेट के आयनों का स्थान जिंक परमाणुओं से निर्माण हुआ Zn+, ये आयन ले लेते हैं। कॉपर के जो आयन का स्थान जिंक परमाणु से जो Zn आयन बना था वो ले लेते हैं,
और Cu+2 जो अलग हुआ, Cu+2 से वापस कॉपर के परमाणु बाहर निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे हुआ क्या है, Zn के कारण CuSO4 के कॉपर का विस्थापन हो रहा है, जिंक के कारण CuSO4 का जो कॉपर है उसका विस्थापन हो रहा है। तो ऐसी जो क्रिया होती है कि जिसमें एक, ये देखो यहाँ परिभाषा यहाँ दिया है कि जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा है विस्थापन अभिक्रिया की, समझे कि नहीं बेटा? ये अब इसमें कौन कम क्रियाशील है कौन अधिक क्रियाशील है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जस्ते की तरह लोहा और सीसा ये तत्व तो भी तांबे के यौगिक में तांबे को विस्थापित कर सकते हैं, जैसे जिंक ने किया वो काम, तांबा या फिर सीसा, लोहा व सीसा ये तत्व तो भी कर सकते हैं। लोहा व सीसा, ये नीचे नीचे लोहा और सीसे के साथ दिया है, हमने जो रिएक्शन किया वो जिंक वाला किया था, CuSO4+ जिंक का रिएक्शन किया था, पीछे हमने ZnSO4 मिला था और प्लस कॉपर मिला था। जब भी ये रिएक्शन होती है ऊष्मा का निर्माण होता ही है, ऊष्मा का निर्माण भी होता है। तो ये तो एक उदाहरण हमने पीछे देखा ही, जिंक के जगह पे लोहा और शीशा, ये शीशे का सूत्र है Pb, ये इसके साथ भी यही सेम रिएक्शन होता है। जिंक की जगह पे हमने लोहा लिया तो यहाँ लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है तो FeSO4 बनता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। इसकी जगह पे हमने अगर लेड ले लें Pb तो वो भी कॉपर को विस्थापित करेगा, PbSO4 और एक कॉपर सेपरेट हो गया प्लस हीट। तो तीन उदाहरण यहाँ पे मिल रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया के। तो कल जैसे मैंने बताया था कि आपको ऐसा सारणी सारणी जैसा बना के लिखो, ऐसे सारणी बना के लिखना है, पहला संयोग अभिक्रिया उसकी परिभाषा उसके उदाहरण लिख दिए, फिर अपघटन अभिक्रिया विच्छेदन अभिक्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण लिख दिए। ऐसे ही तीसरा क्या मिला हमको, तीसरा प्रकार क्या मिला बोलो, तीसरा प्रकार क्या सिखाया अभी मैंने, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके भी तीन उदाहरण ये साइड में परिभाषा लिख देना इसकी, और ये साइड में तीन उदाहरण, 1 2 3, पहला कॉपर सल्फेट और जिंक का, फिर कॉपर सल्फेट और लोहे का, ये जो Fe है इसको लोहा बोलते हैं, लोहे का जो नाम है उसको फेरस कहते हैं, लैटिन भाषा में लोहे को फेरस कहते हैं, इसलिए लोहे को Fe लिखा जाता है। आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो बेटा, ऐसे टेबल बना के लिखोगे ना आप लोग, आपको पढ़ने में आसानी होगी परीक्षा के समय, इसको याद करना आसान होगा आपको, इसलिए ऐसे आप लोग लिखिए, आलस मत करिए, लिख करके याद करके दिखाओ। हाँ ऐसे टेबल वाइज याद करो और उसको लिखो भी, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, आप बड़े आसानी से याद हो जाएगा सब प्रकार उसके उदाहरण। फिर चौथा प्रकार है युग्म विस्थापन अभिक्रिया। युग्म विस्थापन अभिक्रिया ये भी मैंने आपको समझाया था, ये आपकी कौन सी कृति थी ये शुरू में, ये जो तीसरी कृति है ये युग्म विस्थापन की ही कृति है, बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने समझाया था, कैसे समझाया था, BaSO4, इसमें जब हम लोग K2Cr O4 ये दोनों जब रिएक्शन होता है तो देखो इसका जो ऋण आयन है और इसका जो ऋण आयन है SO4, इनकी अदला बदली हो जाती है,
ये बी ए, ये जो एसओ फोर है ये इसके जगह पे सी आर ओ फोर आ जाता है, सी आर ओ फोर आ जाता है। तो मुझे ये बताओ कि इधर क्या बचेगा, ये के टू, के टू के साथ क्या आ जाएगा? ये एसओ फोर आ जाएगा ना, सी आर ओ फोर, और एसओ फोर की अदला बदली हो रही है तो एसओ फोर की जगह पे सी आर ओ फोर आ गया है। तो इधर क्या आ जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, के टू, के टू एस ओ फोर। अब दिख रहा है क्लियर, जूम किया है मैंने, के टू एस ओ फोर। ये एक तरह से पीला अवक्षेप है, ये पीले रंग का अवक्षेप है, होता है ये, इसलिए हमने यहाँ सारणी में लिखा भी था। तीसरे रिएक्शन में क्या होता है, पीला अवक्षेप बनता है और यहाँ भी तापमान में वृद्धि होती है, प्लस प्लस ऊष्मा। तो यही उदाहरण, ये तो ऐसा जो रिएक्शन होता है ना बेटा, ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों की अदला बदली होती है और अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं युग्म विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा ही देखो ये समीकरण 9 देखोगे तो उसमें भी इसका एग्जाम्पल है। समीकरण 9 देख लेते हैं कहाँ है, समीकरण 9 किधर है। हाँ ये देखो समीकरण 9, इसका एक उदाहरण देखो, समीकरण 9 है यहाँ पे, देखो AgNO3 है, NaCl है, तो यहाँ NO3 और Cl की देखो अदला बदली हो गई है। हाँ NO3 की जगह पे Cl आ गया, कहाँ पे डॉट दिया है, AgC, ये जो अब जो भी अवक्षेप बनता ना, अवक्षेप जो भी अवक्षेप बनता है उसको ऐसा डाउनवर्ड एरो करके दिखाते हैं, नीचे नीचे। इस एरो का मतलब ये हुआ कि ये अवक्षेप है। तो यहां भी देखो क्या हो गया, आयनों की अदला बदली, तो फिर वो गैस होता है, गैस, कोई गैस बन रही है तो हम लोग ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं, जैसे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर एरो, तो गैस है, नीचे एरो, कोई अवक्षेप बन रहा है तो हम लोग नीचे एरो करके दिखाते हैं। तो ये भी एक उदाहरण हो गया युग्म विस्थापन अभिक्रिया का, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में जब रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उनके आयनों की अदला बदली होती है और सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। तो ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हुआ, ये आपको आपकी सारणी में लिखना है। हाँ तो युग्म विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया समीकरण नंबर 9। यहाँ पे परिभाषा दे दिया, देखो यहाँ पे परिभाषा दिया है, जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं, ये परिभाषा समझ गए। फिर इसका दूसरा उदाहरण देखो, ये आ जाएगा, पेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट डाला, ये कृति 3 है चैप्टर के शुरुआत में, कृति 3 जो हमने किया था, उसमें कौन से रंग का अवक्षेप का निर्माण हुआ था, पीला, पीले रंग का अवक्षेप। अवक्षेप का नाम क्या था, क्या था, एसओ फोर इधर आ गया था ना, के टू एसओ फोर, के टू एसओ फोर।
यौछेब का नाम था। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये अभी मैंने आपको बताया पीछे, रासायनिक समीकरण अभी पीछे बताया था ना मैंने आपको, एक बार देख उसको देख लेते हैं एक बार, संतुलित थी कि नहीं वो। ये रही रासायनिक समीकरण, BaSO4 K2CrO4, यहाँ Ba1 है, इधर भी Ba1 है, इधर S1 है, यहाँ भी S1 ही है, O 4 और 4 8 है, यहाँ पर O 4 और 4 8 है, K2 है, यहाँ भी K2 है, Cr1 है, यहाँ भी Cr1 है, O तो हम कर चुके हैं, सारी चीजें संतुलित हैं। तो ये समीकरण हो गया BaSO4 प्लस K2CrO4 एरो BaCrO4 प्लस K2SO4 और प्लस ऊष्मा, ये पीला और छेप है इसलिए और डाउनवर्ड एरो दिखाना पड़ेगा यहाँ। ओके इस अभिक्रिया को आप विस्थापन अभिक्रिया कहोगे कि युग्म विस्थापन अभिक्रिया, युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो यौगिक का खाली एक ही आयन विस्थापित होता है, यहाँ अदला बदली थोड़ी हो रही है, अदला बदली नहीं हो रही ना, दो यौगिकों की अदला बदली नहीं हो रही है। विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक आयन दूसरे आयन से विस्थापित होता है, और युग्म विस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिकों के आयन की अदला बदली होती है। तो इसलिए ये जो BaSO4 और K2CrO4 का जो रासायनिक अभिक्रिया है इसे विस्थापन अभिक्रिया नहीं कह सकते, युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, प्रकार चार ही है, ये कोई नया प्रकार नहीं है। ये जो चार प्रकार हमने देखा, संयोग अभिक्रिया, विच्छेदन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और युग्म विस्थापन अभिक्रिया, ये चारों अभिक्रियाएं ऊष्माग्राही भी हो सकती हैं, ऊष्मा उन्मोची भी हो सकती हैं। ऊष्माग्राही अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, और जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है वो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। अब जैसे आपने इसका भौतिक उदाहरण अगर दें, कोई भौतिक क्रिया का उदाहरण दिया जाए, तो देखो बर्फ जब पिघलती है, तो बर्फ पिघलती है तो वहां पे ऊष्मा अवशोषित होती है कि ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। बर्फ को हम लोग गर्म करते हैं ना, बर्फ को पिघलाना है तो बर्फ को आप बर्फ बर्फ गर ऊष्मा ग्रहण करती तब पिघलती है ना बेटा, वो बर्फ से क्या ऊष्मा निकलती है क्या, बर्फ ऊष्मा ग्रहण कर रही तभी तो पिघल रही है वो। फिर पोटेशियम नाइट्रेट को भी आप जब पानी में डालोगे तो वो उसमें भी क्या होगा, बाहर बाहर की ऊष्मा वो ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट को पानी में डालेंगे तो वो भी बर्फ के पिघलने जैसे ही एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। लेकिन बर्फ का पिघलना ये भौतिक अभिक्रिया है और पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना ये रासायनिक क्रिया है, दोनों ऊष्माग्राही ही हैं लेकिन एक भौतिक क्रिया है एक रासायनिक क्रिया है। तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने लिखा है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है KNO3, सॉलिड अवस्था में है, फिर उसमें पानी डाल दिया जो लिक्विड अवस्था में है L, फिर उसमें होता क्या है ये
अपने आप हीट एब्जॉर्ब करता है, हम हीट गर्म नहीं कर रहे, इसलिए एरो के ऊपर मैंने हीट नहीं लिखा है, क्योंकि ये हीट हम नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप हीट जो पर्यावरण की जो ऊष्मा है हवा में जो गर्मी है उसको वो अवशोषित कर लेता है और KNO3 बनता है। ठीक है, हाँ, तो ये ऊष्माग्राही। अब देखते हैं पानी से जब बर्फ बन रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है तो पानी से जब बर्फ बनता है तो ऊष्मा मुक्त हो रही है कि ग्रहण हो रही है? बेटा अगर ऊष्मा ग्रहण, पानी को गर्म करने पे बर्फ बनता है, दस दस बज गया, आपका टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, 10 बजने वाला है आपका अगला लेक्चर का टाइम हो रहा है ना बेटा, कितने लोग थे बता दो, ये हम लोग इस पर चर्चा कल करते हैं, अगली बार करेंगे, आज कम लोग आ गए, कल 36 लोग आए थे, आज 28। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा वो सब आप अच्छे से लिखते जाओ, ये जो सारणी मैंने बोला ऐसे बनाओ। हाँ ओके बेटा, यही आपका होमवर्क है। हाँ चलो, बाय बाय बेटा, बाय बेटा, बाय।